आप देख रहे हैं देसी शश का यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ अलमायदा पिज़्ज़ा गार्डन, जो कि गर्ल्स कॉलेज रोड साहिवाल पर वाक़िया है। इसका दो चीज़ों का आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके हाज़िर हुआ हूँ, एक उनकी स्पेशल चीज़ स्टिक एंड एक उनकी आइसक्रीम। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का रिव्यू लेके हम बनाते तो वो बहुत सारी डिशेज़ हैं, जैसा कि पिज़्ज़ा, बर्गर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों का रिव्यू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले भी इस रेस्टोरेंट में बहुत दफ़ा आ चुका हूँ और मुझे ये दो चीज़ें थोड़ी सी मतलब अच्छी लगी हैं ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बेटर टेस्ट है इनका, इसीलिए मैं इन दोनों पे आज रिव्यू करूँगा। बाकी खैर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पिज़्ज़ा वगैरह का इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है पिज़्ज़े का। और हर दफ़ा एक चीज़ मैं कहूँगा कि पिज़्ज़े का ना हर दफ़ा आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा सेम फ्लेवर में, ये पता नहीं क्यों है। खैर मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, तो इसलिए जो है ना ज़ाहिर बात है उस चीज़ की खूबियाँ और खामियाँ दोनों शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। एक चीज़ ये भी है कि ये मुझे रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। ठीक है, मुझे ये इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ना, साहिवाल के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा जो डिज़ाइन है इसका, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, सबसे ज़्यादा मुझे अलमायदा पिज़्ज़ा गार्डन का पसंद है। नो डाउट, अगर मैं ऐसा कहूँ कि इसका आर्किटेक्चर साहिवाल के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें सबसे बेस्ट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई गलत कहूँगा। ठीक है, तो बाकी खैर एक इशू है मुझे थोड़ा सा इस साइड से, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, तो जो इधर की मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स वगैरह स्टाफ आप कह लें सारा, ठीक है, उन वो थोड़े से नॉन कोऑपरेटिव किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ी सी इनसे हमेशा शिकायत रहती है कुछ। खैर जिसको हम कहते हैं ना फीडबैक वगैरह कुछ दिया जाता है, कुछ कंप्लेन की जाती है, वो भी बहुत दफ़ा की है इस हवाले से, लेकिन उस पर कोई कह लें कि खातर ख्वा कोई उसकी रिपोर्ट जो है वो नहीं आई अभी तक। चलें फिर बग़ैर आपका वक्त ज़ाया किए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं।
शुष्का ब्लॉग्स के साथ आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ अलमायदा पिज़्ज़ा गार्डन की चीज़ स्टिक एंड कैरामल आइसक्रीम। ठीक है, तो अभी हम इसको खाएंगे और इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसका टेस्ट मुझे जो है वो कैसा लगा। ये कैरामल फ्लेवर हमने अभी ट्राई किया आइसक्रीम का। ठीक है, तो इसका जो पर्स का वो 70 रुपीज़ प्राइस है इसकी। और टेस्ट तो खैर आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा अच्छा है और यूनिक है, और इसको तो मैं रिकमेंड करूँगा लाजमी कि आप ट्राई करें। अलमायदा पिज़्ज़ा गार्डन जो है शाहीवाल के अंदर गर्ल्स कॉलेज रोड पे, जो कि शाहीवाल में शॉपिंग का एक हब समझा जाता है, शॉपिंग का एक सेंटर जो है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने डिफरेंट किस्म की शॉपिंग है वो करने के लिए आते हैं। ठीक है, क्लोथ्स की, शूज़ की और डिफरेंट किस्म की चीज़ों की, तो वो करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनमें अलमायदा पिज़्ज़ा गार्डन जो एक बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है शाहीवाल का, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली कैरामल आइसक्रीम को मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा। अभी हम ट्राई करते हैं कि इनकी चीज़ स्टिक है उसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, तो ये इनकी एक स्पेशल डिश है जिसका नाम है अलमायदा की चीज़ स्टिक। ठीक है, तो इसकी अभी हम एक बाइट लेके चेक करेंगे इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है, इसके अंदर चीज़, सॉस, केचप, इसके अलावा मेयोनीज और इनके स्पेशल किस्म का सॉस जो इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो चीज़ लवर्स के लिए तो मैं कहूँगा ये हेवन और इसको मैं रेकमेंड करूँगा। तो इसकी जो प्राइस है वो 190 है। ठीक है, थैंक यू।